हाँ भाई देखिए, सेकंड पेपर के अंदर आज हम जो हमारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन चल रहा है, पाचन की कार्य की जो हम पिछले वीडियो से चले आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा था। देखो पिछले वीडियो में हम ग्रहणी में पाचन पढ़ चुके हैं। ग्रहणी के अंदर जैसा कि हमें ज्ञात है, पित्तरस और अग्नाशय रस आकर के ग्रहणी की गुहा में भोजन के साथ मिलते हैं, ठीक है। और अग्नाशय रस के संगठन और उसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न एंजाइम्स की क्रिया विधि को हमने समझा था, नहीं? और हमने कहा भोजन का और अधिक यहाँ पाचन हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ग्रहणी में पाचन और अग्नाशय रस के स्राव का जो कंट्रोल है, जो नियमन है, वो किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके लिए देखिए, ऐसा माना गया है या तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियमन होता है, या फिर अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा नियमन होता है। दो चीजें हैं हमारे पास, अग्नाशय रस के स्राव का जो कंट्रोल है, नियमन है, वो या तो नर्वस सिस्टम के द्वारा होगा या फिर एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होता है। दो चीजें हमारे पास हैं। अब देखिए, मोस्टली हम बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र में या तो वेगस तंत्रिका ही इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, वेगस तंत्रिका। और देखिए वेगस तंत्रिका में भी जो सहानुकंप की शाखाएं होती हैं, पैरासिंपथेटिक, सिंपैथेटिक का रोल नहीं होता, क्योंकि वैसे तो हमें पता है सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व्स एक दूसरे के अपोजिट जो है रिएक्शन करती हैं, एक बढ़ाती है तो एक घटाती है। लेकिन यहाँ जो रोल है बढ़ाने का, वो मोस्टली किसका होता है, सहानुकंपी या परानुकंपी, सहानुकंपी तंत्रिकाओं का रोल विशेष रूप से है, ठीक है। इन ये तंत्रिका तंत्रिका तंत्र को सीधा इफेक्ट करती हैं, उसके बाद सूचना को ले जाया जाता है पैनक्रियाज तक, और वहां पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन पर कंट्रोल या नियमन किया जाता है। और देखिए दूसरी तरफ हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, तो कंडीशन क्या होती है, जो ग्रहणी जब भोजन काइम के रूप में ग्रहणी की गुहा में पहुंचता है, भोजन आमाशय से काइम के रूप में जब ग्रहणी की लुमेन में पहुंचता है, तो ग्रहणी की जो श्लेष्मिका सतह है, म्यूकस लेयर, उस म्यूकस लेयर से एक पदार्थ श्रावित होता है, अंतःस्रावी का जैसा उसका रोल है, श्रावित होता है, डक्टलाइज है, तो उसको और उस पदार्थ को प्रोसिक्रेटिन कहा जाता है, प्रोसिक्रेटिन। कंडीशन ये होती है, ये प्रोसिक्रेटिन आमाशय में मिलने वाले एचसीएल अम्ल की उपस्थिति से, अम्ल के कारण सिक्रेटिन में बदल जाता है। प्रोसिक्रेटिन जो है सिक्रेटिन में एचसीएल के द्वारा कन्वर्ट हो जाता। अब क्या होता है, ये सिक्रेटिन ब्लड के साथ घुल करके परिसंचरित होता है, और कहां तक पहुंचता है, पैनक्रियाज तक, पैनक्रियाज तक पहुंचता। हमें पैनक्रियाटिक जूस पर कंट्रोल करना है, स्रावित करवाना है ना, तो ये घुल जाएगा सिक्रेटिन सक्रिय होने के बाद, और ये रुधिर के साथ किसकी कोशिकाओं पहुंचेगा, पैनक्रियाज कोशिकाओं। पैनक्रियाज कोशिकाओं पहुंचेगा और क्या होगा, पैनक्रियाज को पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है। पैनक्रियाटिक जूस यहां से निकलने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से अंतःस्रावी तंत्र भी हमारा काम करता है। आपका प्रोस्टाग्लैंडिन नामक पदार्थ जो ग्रहणी की श्लेष्मिका स्तर से निकला, ग्रहणी की श्लेष्मिका स्तर से निकला, ये आपको ध्यान रखना। और देखिए इसके बारे में जो बताया गया, बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में बेलिस और स्टार्लिंग ने सबसे पहले बताया था, ये दोनों वैज्ञानिक भी आपको याद रखने हैं, बेलिस स्टार्लिंग।
बेलिस और स्टार्लिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी रखने हैं, ध्यान रखना है विशेष रूप से, ठीक है। प्रोसिक्रेटिन सिक्रेटिन पैनक्रियाज पर गया ब्लड के माध्यम से और वहां से पैनक्रेटिक जूस को क्या नाम से प्रेरित किया और निकलने के लिए। लेकिन ये सारे सिस्टम के बारे में किसने बताया? बेलिस व स्टार्लिंग ने बताया था, बहुत अच्छी घटना है। अब देखिए एक अन्य वैज्ञानिक उन्होंने पैनक्रियाटिक जूस के नियमन में एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से एक अन्य पदार्थ को लेकर के बताया था। वो वैज्ञानिक है हार्पर एवं रापा। हार्पर एवं रापर दो वैज्ञानिक, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, लेकिन इन्होंने अलग तरीके से बताया था। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या काम किया, इन्होंने कहा कि ग्रहणी की सतह से पैनक्रियाजाइमिन नामक पदार्थ स्रावित होता है। उन्होंने प्रोस्क्रिटिन बताया था, इन्होंने पैनक्रियाजाइमिन पदार्थ को बताया। पदार्थ आपको ध्यान रखना है पैनक्रियाजाइमिन। ये शब्द आपको ध्यान रखना, पैनक्रियाजाइमिन स्रावित होता है। और पैनक्रियाजाइमिन क्या काम करता है, पैनक्रियाज से रिलेटेड हो गया, सीधे रुधिर के माध्यम से पैनक्रियाज की कोशिकाओं तक पहुंचता है। और पैनक्रियाज की कोशिकाएं, देखिए आपने देखा होगा पैनक्रियाज, सुना होगा पैनक्रियाज की कोशिकाओं में ड्यूअल टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहने का मतलब वो एंडोक्राइन भी उनमें पाई जाती है और एक्सोक्राइन भी पाई जाती है। तो एंडोक्राइन की हम चर्चा करना है तो एंडोक्राइन के रूप में लैंगरहंस के इजलेट्स उसमें पाए जाते हैं अनेक संख्या में। लैंगरहंस के जो इजलेट्स हैं उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके द्वारा क्या नाम से अंतःस्रावी के रूप में पैनक्रियाजाइमिन का स्राव किया जाता है और ये वहां पहुंच करके जो है पैनक्रियाज के पैनक्रियाज को प्रभावित करता है। और पैनक्रियाज से फिर क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था, दोनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम को लेकर के समझाया। लेकिन आपको ध्यान रखना हार्पर एवं रापर में पैनक्रियाजाइमिन शब्द पर गौर करना और वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है ना। और स्टार्लिंग ने पैनक्रियाजाइमिन के स्थान पर प्रोस्क्रेटिन को लेकर के बताया। दोनों ही कंडीशन है, दोनों ही एंडोक्राइन सिस्टम के रूप में काम करती है और पैनक्रियाटिक जूस को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से ज्यादा निकलता है, निकालना है या कम निकालना, उसका नियमन किया जाता है। अब एक कंडीशन ये आती है, देखिए नियमन इस प्रकार से हो जाता है। हमने कहा कई प्रकार के एंजाइम्स केमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन है ना, और क्या नाम से लाइपेज सुक्रेज एमाइलेज माल्टेज, ऐसे बहुत सारे एंजाइमों को हम ग्रहणी के पाचन में पढ़ के आए थे। तो हम ये कह सकते हैं इन सभी प्रकार के एंजाइम्स के पाचन क्रिया के पश्चात जो भोजन है वो और अधिक पतला हो जाता है, ठीक है, और अधिक पतला हो जाता है। और ऐसी स्थिति में उस भोजन को हम काइम के स्थान पर, अभी हम काइम बोल रहे हैं जब तक ग्रहणी माया, काइम के स्थान पर काइम बोलने लग जाते हैं, काइम है ना। कहने का मतलब यह है भोजन आगे ग्रहणी के बाद और अधिक डाइजेस्ट होने पर जब पतला हो गया है तो उसको काइम ना कह के काइल बोलने लग जाएंगे। और ये काइल के रूप में जो भोजन है ये अब और अधिक बचे हुए शेष पाचन के लिए ग्रहणी से छोटी आंत्र में प्रवेश करता है, छोटी आंत्र की तरफ जाता है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो छोटी आंत्र में पाचन हमको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि छोटी आंत्र में देखिए पाचन कंप्लीटली हो लेगा। अब शेष जो बचा पाचन है कुछ मात्रा में वो छोटी आंत्र में हो जाएगा और छोटी आंत्र में बिल्कुल सरल घटकों में भोजन टूट चुका होगा जिसका आसानी से अवशोषण किया जा सकता है, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि छोटी आंत में हमको पता है माइक्रोग्लाइज पाई जाती हैं जिसमें ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, सरल घटकों में भोजन टूट चुका होता है तो ब्लड में अवशोषित करने में वहां आसानी रहती है और रुधिर के साथ परिसंचरण करके कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है जहां आगे जो बचा हुआ डाइजेशन, कहने का मतलब है इसको सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। अभी जो डाइजेशन हुआ ये एक्स्ट्रा सेलुलर
कोशिका से बाहर का है, बाह्य श्वसन बोलते हैं इसको। अब कोशिका में जो चलेगा श्वसन उसको हम ग्लाइकोलाइसिस ऑफ क्रेब्स चक्र के रूप में पढ़ते हैं, उसको सेलर या इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है ना, जिसमें एटीपी बनती है, ऊर्जा निकल करके आती है। उनको नेक्स्ट पढ़ेंगे अलग तरीके से हम।